झूठ बोले। क्या झूठ है जो आपने अभी कहा? सच कहा है क्या? लोग बोले कि नहीं, उनके कुरान में भी, आपके गीता में, आपके रामायण, सब जगह एक अच्छी शिक्षा दी गई है। क्योंकि हकीकत यह है कि हर जगह एक ही शिक्षा नहीं है, उनकी शिक्षाओं में अंतर है, हमारी शिक्षाओं में अंतर है। उस भेद को कैसे लोग कह देते हैं कि मतलब कुरान भी, कुरान जो कह रहा है, महाराण जो कह रहा है, ये इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। अध्ययन नहीं, एक कारण यह है। दूसरा, वो जो कहा उसको घर सुन लिया। एक तो अध्ययन नहीं किया, उसने जो कहा बस उसी को मान लिया। हाँ। उसने जो कह दिया उसी को मान लिया कि हाँ ईद का यही है। हाँ। ये पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। नहीं, एक कारण तो यह है। दूसरा कारण, अगर पढ़ लिया तो साहस नहीं बटोर पाए कहने का खिलाफ में। अपने लोगों को तो बताता था, अपने लोगों में भी नहीं बता पाने की हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि अपने लोगों को बताएंगे अरे ये तो जो है घृणा फैलाता है, ये तो नफरत फैलाता है, ये तो जहर फैलाता है, इस तरह की बात अपने लोग करने लगेंगे। इस डर से भी वो नहीं फैलाया। अच्छा, आपके आदर्श जो है ना एक नहीं है, आपके एक साधु संत भी आदर्श है और एक आपके जो नेता लोग हैं वे भी आदर्श। हाँ। नेताओं को वोट चाहिए। हाँ, नेताओं को वोट चाहिए, सत्ता शासन चाहिए। तो सत्ता शासन के भूखे होने के कारण जो है उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। आप उनको भी एक आदर्श बनाए, उन्होंने जो बात कही वो मान लिए। हाँ, तो इसमें आप फंस गए बुरी तरीके से। हाँ, कि देखिए नारा गांधी ने ही ना दिया था, रघुपति राघव राजा राम। हाँ, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये गांधी ने दिया। कहाँ से दिया ये उसने कुछ दिमाग लगा के दिया ना? यहाँ लोग भ्रमित हो गए कि ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है। इस नारा से भ्रमित हो गए कि नहीं? इस भजन से भ्रमित हो गए ना? तो आपके नेताओं ने भ्रमित किया इस तरह से, और आम जन सोचने लगे कि हाँ यही है, यही है, दोनों में एक ही बातें हैं, कैसे भी भज लो, कैसे भी ना। तो इन नेताओं ने बहुत बेड़ा गर्क किया, और साधु संतों ने भी बेड़ा गर्क किया। सच्चे साधु बहुत कम हुए, अधिकतर तो बस किसी तरह से चेला बनाओ। हाँ। और अपना खाओ पियो, आश्रम बड़ा बड़ा बना लो, बस हो गया, उसके फेर में रह गए। कभी भला सोचा ही नहीं समाज का, समाज का भला सोचते तो ये दुर्गति आती नहीं। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं खैर संतों की मानूंगा। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं संतों की मानूंगा। जो कि उन्होंने साहस नहीं दिखाया, नहीं कहा, अध्ययन नहीं किया, जो विद्वान है ज्ञान की बात बोल करके खुद अज्ञानी रहे। हाँ, तुम ज्ञान की बात करते हो और तुमको कुरान के बारे में पता नहीं है, तो तुम ज्ञान कहाँ से हो, कहाँ से ज्ञानी हो बताओ? अज्ञानी हो। कुरान के ऊपर लिखने का, बोलने का, पढ़ने का साहस होना चाहिए था ना? कहाँ कहे बताइए, कौन आपके साधु संत है जो कहे हैं? किसी का नाम बताइए, किसी का भी नाम बताइए। अरे हम तो मतलब कोई है ऐसा, एक सिर्फ दयानंद सरस्वती है बस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, इधर उधर सुनता हूँ कि मतलब जो है सभी धर्म एक समान है, लेकिन इसी पर बड़ा गुस्सा आ जाता है कि कैसे कह रहे हैं कि सभी धर्म एक समान है। ये सब मूर्ख बनाने की बात है, सब मूर्ख बनाने की बात है। एक समान कैसे होंगे भाई, सारे सिद्धांत उल्टे पुल्टे हैं। तुम कहते हो एक समान है, यहाँ ईश्वर जो है अनंत है, वहाँ ईश्वर एक है। यहाँ अवतार लेते हैं, वहाँ अवतार नहीं लेते हैं। यहाँ जो है ईश्वर ने दुनिया बनाई नहीं है, बल्कि दुनिया सदैव से, सदा से, सदा से, सदा तक है, और वहाँ बनाई गई है, छः दिन में बनाई गई है, एक ही कैसे है? हाँ, हर चीज़ें उल्टा पुल्टा है। बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों के बारे में एकदम विस्तृत अध्ययन करके समाज को दिया जाए, जैसे लोग ही दे पाएंगे। हाँ, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है मैं बोलता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। अब तो मेरा प्रयोग कहाँ करना है ये तो समाज को भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा प्रयोग करेंगे, कहाँ पर। जितना बड़ा मंच होगा उतने दूर तक लोगों की आवाज़ जाएगी। पांच लोगों के बीच में बोलूँगा, पांच लोगों में आवाज़ जाएगी। व्यवस्था तो समाज को ना करनी पड़ेगी। मैं तो माइक पे जुटाऊंगा नहीं। हाँ, वो तो समाज को करनी पड़ेगी।
सत्य बोलना जितना महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण नहीं असत्य का खंडन करना। असत्य का खंडन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब सत्य को मानना और असत्य का खंडन करना दोनों जरूरी हैं। हाँ, तो असत्य जारी रहेगा। अब खाली मीठी मीठी बात बोलेंगे, मीठी मीठी भागवत के नाम पर खाली शादी ब्याह कराएंगे राम और कृष्ण की और इनके, अरे इससे क्या होगा? पूछो नहीं, तो मेरे को तो कभी कभी लगता है इससे क्या होगा? हो गया इसे 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 समाज ना पुष्ट होगा, वो तो बस फिर वो कमाई का जरिया हो गया एक तरह से, वो तो कमाई का। कल जो है कल भगवान राम की शादी होगी, आप लोग जो है वो साड़ी और ये सब सब लेते आइएगा। अरे इससे क्या होगा? इससे समाज का कुछ होने वाला है भला? बताओ, शादी तो वे रोज कर रहे हैं, समाज में शादी तो रोज कर रहे हैं, उसे वह चीज़ बताओ जो वो नहीं जानता है, जिसे उसका बचाव हो सकता है, जिसे उल्लभ जिहाद में वो नहीं फंसेगा, जिसे जिससे वो जो है उसकी संपत्ति बच सकती है, जिससे उसकी जान बच सकती है, वह चीज़ बताओ ना। ये तुम क्या शादी ब्याह रचाने के चक्कर में पड़ गए? मुझे तो बहुत तरस आती है, मैं तो बोल देता हूँ कभी मुझे मौका मिलता है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता सब चीज़ को। एक चीज आपसे बड़ी अच्छी है, ये जो आपने बात हुई है कि वो हमारे साथ क्या व्यवहार करना चाहता है हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहता हूँ उसको मालूम। हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी के खिलाफ वो अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, और पूरी उसका योजना है और पूरे विश्व स्तरीय योजना है। हाँ, और हम उसके कुरान को आज तक नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए हम तो। हमारे यहाँ मतलब जो तनिष्क करते हैं एक दो मुसलमान थे हमारे अधीन ही थे, मैं उनसे पूछा था कि कुरान हमको दे सकते हो हिंदी रूपांतरण करके, हिंदी रूपांतरण में कहीं मिलता है? बोले साहब झूठ भैया बोले, बोले साहब नहीं हिंदी में तो नहीं है सकता, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? मेरे पास खुद है। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषा में है। इंग्लिश में तो है। हाँ, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, सब में है। ये जो आप उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं उसमें गूगल में आपको मिल जाएगा। ये जो जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं इस मामले में, कम से कम हर किताब का इंग्लिश में अध्ययन करते थे। ये करते हैं, ये अध्ययनशील है, ये हर भाषा का, हर धर्म का सबका पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उसमें तोड़ मरोड़ भी कर देते हैं अपने लिहाज से, जो ईसाई सब है। कुछ अभी हिंदुओं में भी कुछ सजगता आ रही है, आ रही है लेकिन बहुत बहुत बाद में आ रही है। और अगर अभी 10 बरस और लेट करेंगे ना तो फिर तो संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनकी आबादी बहुत हो जाएगी, जैसे बांग्लादेश में हो गई बहुत, तो फिर वहाँ के लोग समझ कर भी क्या कर लेंगे? आप समझ करके भी क्या कर लेंगे जब आप करने के ही लायक नहीं रह रहे कुछ? तो बिल्कुल सही कहा, जब तक आपकी कुछ आबादी है तब तक आप कुछ कर सकते हैं। अपने को यही मतलब जो है तकलीफ होती है कि हमारे यहाँ सच्चाई क्यों नहीं लोग बता पाए, जो आज पता चल रहा है, आज से 1000 साल पहले भी तो पता कर सकते उस समय के जो विद्वान लोग रहे क्यों नहीं पहले जाते थे? गरज ही नहीं समझा ना, बहुत अहंकारी भी थे ना हमारे साधु संत भी, बहुत अहंकारी सोचते हैं हम लोग का तो वेद बढ़िया है, क्यों पढ़ें उसका कुरान? अरे क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे को नष्ट कर रहा है वो, और तुम नहीं पढ़ोगे उसका, तुम उसको जानोगे नहीं। तो अपने अहंकार से, अपनी मूर्खता से, अपनी कुपंडुकता, हाँ अपनी कुपंडुकता से ये कमाए। और ये बहुत ये इनका एक वो अहंकार, ये सोचते हैं ना कि खाली पॉजिटिव गुण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जान लीजिए नकारात्मक गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह बचाने के काम में आता है, मारने काम में आता है। नकारात्मक गुण जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, युद्ध में हर तरह की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। वो एक प्रकार से युद्ध मान के ही चल रहा है, वो युद्ध है ही।
मार के क्या चाह रहे हो, वो युद्ध ही है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया हुआ है मोहम्मद ने, बिल्कुल कुरान में आप देखिए, बिल्कुल कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनसे युद्ध करो तब तक जब तक कि वे इस्लाम कबूल ना कर लें। हाँ, तब तक करो, नहीं तो उसको मार दो जान से जहाँ पाओ वहाँ। तो स्पष्ट युद्ध की घोषणा है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन आपको है। उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वे स्पष्ट हैं अपने उद्देश्य में और उस पर वो कार्यरत है। अरे जाएंगे भी पापा आराम से बजाई। अच्छा ढोलक तो नहीं, हारमोनियम बजाते हैं महाराज जी से यदि आप देखेंगे कुछ नहीं। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था उस समय और आज के मनुष्य में आप देखेंगे कि भावना के स्तर पर उसमें कोई अंतर नहीं आया। भावना के स्तर पर उसका ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। उस वक्त भी वो क्रोधी था, आज भी क्रोधी है। उस वक्त भी वो लोभी था, आज भी लोभी है। उस वक्त भी अहंकारी था, आज भी अहंकारी है। उस वक्त भी कामनाग्रस्त था, आज भी कामनाग्रस्त है। भावना के स्तर पर उसमें कोई अंतर नहीं आया। जो भी अंतर आपको दिखता है ये बाहरी स्तर पर दिखता है, ये बाहरी अंतर आए। भावना के स्तर पर जो विकास होता है ना, वही आध्यात्मिक विकास कहलाता है। जब हम अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं, उन पर हमारा नियंत्रण हो, भय पर हमारा नियंत्रण हो, क्रोध पर हो, इन सब पर जब नियंत्रण होगा तो माना जाएगा कि आध्यात्मिक विकास हुआ है। और वस्तुओं से विचार से कोई तो मूलतः हम लोग अभी वही हैं, केव मैन की एज में है। वही पर हम लोग हैं। हम ढोलक बजाओ।